निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें शानदार तेजी नजर आई है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि फाइनेंस निफ्टी का इंडेक्स में किस प्रकार से मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एनजीवन एप्लीकेशन पे आना है और यहाँ पे आपको इंस्टाटर डेफेंडो पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे इंस्टाटर डेफेंडो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इंस्टाटर की ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाती है। आप यहाँ से प्लस आइकन का यूज़ करके आप अपने इंस्टाटर की मार्केट वॉच में आप फाइनेंस सेफ्टी इंडेक्स को हिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फाइनेंस सेफ्टी इंडेक्स का फ्यूचर को लगा के रखा है। अब मैं यहाँ पे फाइनेंस सेफ्टी का जो फ्यूचर है जो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, आपके सामने देखने को मिलेगा कि 25 अप्रैल एक्सपायरी का मैंने फाइनेंस सेफ्टी का फ्यूचर को यहाँ पे हिट करके रखा है। अब यहाँ पे जो हमने लेवल को आइडेंटिफाई किया था इसमें बताया था कि 18,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बताया था कि 18,800 का तक के हमें फाइनेंस सेफ्टी का इंडेक्स हमें देखने को मिल सकता है। तो जो हमने लेवल को आइडेंटिफाई किया था उस लेवल के ऊपर ही हमें फाइनेंस सेफ्टी यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मतलब कि फाइनेंस सेफ्टी में हमने यहाँ पे जो अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है उसको हम यहाँ पे टूल ऑप्शन का यूज़ करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो इसका एक हाई पॉइंट था जहाँ से फाइनेंस सेफ्टी ने काफ़ी टाइम पे रिजेक्शन दिया था और ये रिजेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिला है कि यहाँ पे फाइनेंस सेफ्टी ने एक रिजेक्शन दिया था लेकिन अब की बार जो रिजेक्शन को पार किया तो इसके बाद फाइनेंस सेफ्टी ने एक तेजी का माहौल बनाया हुआ है। अब ऐसे में अगर फाइनेंस सेफ्टी का यही मूवमेंट कंटिन्यू जारी रहता है तो हमें फाइनेंस सेफ्टी का जो अगला रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए हम यहाँ पे दोबारा से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो इसका फाइनेंस सेफ्टी का एक टॉप पॉइंट है इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो यहाँ से हमें जो डाटा देखने को मिलेगा कि इसके अंदर फाइनेंस सेफ्टी में जो तेजी का माहौल बनते हुए देखने को मिल सकता है ये बनेगा हमारे सामने 18,780 के आसपास का हमें अगला डेटा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक ये फाइनेंस सेफ्टी ट्रेड करते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो ये लेवल के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और ये लेवल पार होते हैं तो हमें फाइनेंस सेफ्टी में आगे आने वाले समय में वो ज़्यादा यहाँ पे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। और अगर हमें सपोर्ट की बात करें तो फाइनेंस सेफ्टी में अगर ये पॉइंट जो 17,800 का है ये 800 के पॉइंट से अगर रेजिस्टेंस लेता है एक बार तो हमें जो नीचे का जो लेवल है जो देखने को मिलता है 18,500 का, यहाँ तक के फाइनेंस सेफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हमें फाइनेंस सेफ्टी के ट्रेंड की बात करें तो अभी MACD इंडिकेटर में पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, डायरेक्ट ये अपसाइड में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही ALM इंडिकेटर में भी इसमें अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इस मूवमेंट का बेनिफिट लेने के लिए हम फाइनेंस सेफ्टी को अगर बाय करना चाहते हैं फ्यूचर तो आपको यहाँ पर बाय की बटन देखने को मिल सकती है। आप यहाँ से फ्यूचर को बाय कर सकते हैं और अगर रजिस्टेंस पर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने फाइनेंस सेफ्टी में सेलिंग की पोजिशन को बना सकते हैं। अगर इसके साथ ही अगर ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो यहीं से आपको ऑप्शन चेन मिल जाती है। इस ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने 18 अप्रैल एक्सपायरी का ऑप्शन चेन का डेटा लग जाता है। इस ऑप्शन चेन में जो अभी फाइनेंस सेफ्टी ट्रेड कर रहा है 18,684 पर ट्रेड कर रहा है तो इसका जो हेडमनी कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलता है ये 18,650 का बनता है। तो अगर फाइनेंस सेफ्टी में हम तेजी के साथ में जा रहे हैं तो हम यहाँ पे 18,600 के कॉल के साथ जा सकते हैं या 18,500 के कॉल के साथ हम जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पुट के लिए बात करें कि अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे आ सकता है तो मार्केट में यहाँ पे पुट के लिए यहाँ पे 18,700 का पुट और 18,800 के पुट के साथ हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को लेके जा सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि फाइनेंस सेफ्टी में बाइंग करना चाहिए और मैं यहाँ पे 18,600 का कॉल को बाय करना चाहता हूँ तो मैं इसके LTP जो 169 पे इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ बाय ऑप्शन पे प्रेस करूंगा, वन लॉट मेंशन करूंगा और इसका जो करंट प्राइस है इस करंट प्राइस के साथ जो वन लॉट साइज़ है 40 का और इसमें जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है एक लॉट में ये 6,760 लगेगा। जो चार्जेस है मैं चार्जेस चेक कर सकता हूँ। इसके बाद मैं ऑर्डर यहाँ पे पुट करूंगा और अपने ऑर्डर को यहाँ पे लगाने के लिए कन्फर्म बटन पर क्लिक करूंगा। अभी मार्केट बंद है तो मुझे आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, मैं येस बटन पर प्रेस करूँगा और अपने ऑर्डर को यहाँ सबमिट कर दूँगा। जैसे मेरा ऑर्डर यहाँ पर सबमिट होगा और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट डे तो मुझे अपना P&L पे देखने को मिलेगा और मैं अपने पोटेंशियल रिटर्न को बुक करना चाहता हूं तो मैं यहां पे फाइनेंस निफ्टी का जो चार्ट मैंने स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय करके रखा था तो मैं चार्ट यहां पे इंस्ट्राटेड विंडो पे लगाऊंगा और उसके बाद मुझे यहां पे सेल की और बाय की बटन देखने को मिलेंगी। मैं सेल करके अपने पोटेंशियल रिटर्न बुक कर सकता हूं या अपने ऑर्डर को चेंज करना चाहता हूं, मॉडिफाई करना चाहता हूं तो ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करके मैं अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता हूं। साइड बार का यूज़ करके मैं अलग अलग टूल्स लगा के चार्ट का एनालिसिस कर सकता हूं, FX ऑप्शन से इंडिकेटर लगा के अपने चार्ट का प्रेडिक्शन कर सकता हूं। तो दोस्तों इतना ईजी इतना आसान है एनजीवन एप्लीकेशन में इंस्टाट्रेड को यूज़ करना। अगर आपने अभी तक एनजीवन एप्लीकेशन में अपना डिमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो बेस्ट ऑफर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा के रखे हैं। अगर आप मेरे लिंक के माध्यम से अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका डिमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होता है, साथ ही आपको 1 ईयर का MC चार्जेस बिल्कुल फ्री मिलता है। तो देखना करें आज ही अपना डिमेट अकाउंट एंजेलवन के साथ ओपन करें और यहाँ की शानदार फैसिलिटी का लाभ लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।